एटीएस की माने तो पाकिस्तान से जुड़ी दो महिलाओं की फेसबुक आईडी से निशांत दो साल से ज्यादा वक्त से संपर्क में था। आशंका है कि हनी ट्रैप के जरिए उसे फंसाया गया है। निशांत के अलावा कानपुर और आगरा के रक्षा विभाग से जुड़े दो और वैज्ञानिक भी जांच के दायरे में हैं। एटीएस फिलहाल निशांत के दोस्तों को उसकी पड़ताल कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। निशांत अग्रवाल के बाद उसके दो साथी भी रडार पर। कानपुर में एटीएस ने महिला वैज्ञानिक से की पूछताछ। आगरा में भी निशांत के दोस्त पर एटीएस की नजर। निशांत अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद से अब एटीएस ने उसके साथियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निशांत अग्रवाल के बाद उसके दो साथी भी रडार पर। कानपुर में एटीएस ने महिला वैज्ञानिक से की पूछताछ। आगरा में भी निशांत के दोस्त पर एटीएस की नजर। निशांत अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद से अब एटीएस ने उसके साथियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एटीएस को शक है कि करीब दो साल पहले हनी ट्रैप का शिकार हुए निशांत ने गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से साझा की हैं, जिनकी फिलहाल अभी छानबीन की जा रही है। एटीएस के मुताबिक वो पाकिस्तान बेस्ड दो फर्जी फेसबुक आईडी से संपर्क में था। यही वजह है कि कानपुर और आगरा में रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े दो व्यक्तियों के बारे में छानबीन की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि कानपुर में जिनकी जांच चल रही है वो एक महिला अधिकारी है। पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था, वो सारे आईपी एड्रेसेस से प्रूव हुआ और इस तरीके से सेना में अर्धसैनिक बल में काम करने वाले व्यक्तियों को झांसा दे करके और अपने जाल में फंसाया जा रहा था और उसके बाद में शुरू उनसे पूरी तरीके से सूचनाएं ली जा रही थी। इस दिशा में काम करते हुए जब हम लोग आगे बढ़े तो हमको दो और फेसबुक आईडी नज़र में आई। उन दोनों का परीक्षण किया गया तो उन दोनों नकली आईडी से कुछ रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े व्यक्ति कांटेक्ट में मिले। निजी लैपटॉप से मिली अहम जानकारियां। आईजी का दावा है कि निशांत के निजी लैपटॉप और कंप्यूटर की जांच में अति संवेदनशील दस्तावेज मिले हैं। निशांत के दो ऐसी फेसबुक आईडी से चैटिंग करने के प्रमाण मिले हैं जिनके आईपी एड्रेस और नंबर पाकिस्तान के हैं। आईजी के मुताबिक दोनों आईडी महिलाओं के छद्म नाम पर हैं और उनकी प्रोफाइल में तस्वीरें भी अलग अलग महिला की हैं। बाद में हमने चेक किया कि क्या फेसबुक से वाकई में एविडेंस है पाकिस्तान बेस्ड आईडी से इसके चैट करने की, तो वो एविडेंस भी पाई गई। इतनी दोनों एविडेंस हमको मिल गई जिसके आधार पे हम लोगों ने गिरफ्तारी हमारी टीम ने वहाँ पे की है। इसके कार्यालय या जो वर्क प्लेस है वहाँ पे भी तलाशी अभियान चलाया गया और वहाँ से भी कुछ डिजिटल सामग्री हमने बरामद की। जॉब का ऑफर देकर फंसाया गया। पाकिस्तान बेस्ड जिन दो महिलाओं की फेक फेसबुक आईडी के संपर्क में निशांत था उनमें से एक ने उसे जॉब का ऑफर देकर अपने साथ जोड़ा। इन दोनों ही आईडी में महिलाओं की फोटो लगी हुई है। ये पड़ताल की जा रही है कि इन दो आईडी से निशांत के अलावा और कौन कौन भारतीय फेसबुक आईडी जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी सूचनाएं की साझा। आईजी का कहना है कि निशांत ने आईएसआई
अथवा अन्य किससे क्या क्या गोपनीय सूचनाएं साझा की हैं, अभी इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। इसके साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसकी दोनों फेक फेसबुक आईडी पर की गई चैट को रिकवर कर उसका भी परीक्षण किया जा रहा है। 40 लोगों की टीम को लीड कर रहा था निशांत। ब्रह्मोस एयर स्पेस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। निशांत 31 जुलाई 2013 से मिशन ब्रह्मोस से जुड़ा हुआ था। निशांत नागपुर यूनिट में हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स और वारहेड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था और करीब 40 लोगों की टीम का नेतृत्व कर रहा था। जानकारी के मुताबिक वो ब्रह्मोस के CSR और टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप का भी सदस्य था। वो ब्रह्मोस नागपुर और पिलानी साइट प्रोजेक्ट्स की भी निगरानी कर रहा था। UP ATS की टीम करीब एक महीने से उस पर नजर रखे हुए थी। महाराष्ट्र ATS की मदद से उससे जुड़ी सूचनाओं को विकसित किया गया, जिसके बाद सोमवार को उसके नागपुर के ठिकानों पर छापेमारी की गई। मिला था यंग साइंटिस्ट अवार्ड। बताया गया कि निशांत अग्रवाल को साल 2017-18 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला था। इससे पहले वो मुंबई स्थित एक ऑयल कॉरपोरेशन में काम करता था। निशांत की गिरफ्तारी से DRDO सख्ते में है और फिलहाल उसने मामले पर चुप्पी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।